सो वेलकम पीपल, नाउ दिस इज़ अवर विजय हेयर और आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे पाठशाला के चैनल में। एंड चैप्टर जो हमारा पांचवा है, इसका फोर्थ पार्ट है। आप सभी को मैं पहले से बता दूं कि आपने 5 चैप्टर तक ये चैप्टर कवर करे हैं, वो वर्ल्ड वाली बुक का था। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने वीडियो के 4 पार्ट लाने थे, ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं। और आपके लिए बता दूं कि ये चैप्टर अभी हम 5 तक कवर करेंगे। अब हम इंडिया वाली बुक को स्टार्ट कर देंगे। इंडिया वाली बुक जब स्टार्ट करेंगे तो वो हम 5 चैप्टर करेंगे, ताकि आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट को कवर कर रहे हैं, इस चैप्टर के, सॉरी। तो इस चैप्टर के अंदर जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऐड हुआ है बच्चों, तो उनके बारे में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप उसको भी फोकस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक। चैप्टर 5 में, मतलब चैप्टर 5 तक तो आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, और अब आप देखने की कोशिश करेंगे कि हमने जो साउथ एशिया की कंट्री थी उसमें हमने पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, और साथ में श्रीलंका से रिलेटेड, नेपाल से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को कंज्यूम कर लिया था, बहुत कुछ समझ लिया था। लेकिन साउथ एशिया की कुछ और भी कंट्रियाँ हैं जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ भारत का क्या रिलेशन है। सो बेसिकली आप ये देखेंगे कि अभी जितनी भी हमने कंट्रियाँ पढ़ ली थी वो बहुत ज़्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और साथ में ट्विटर के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लेटेस्ट अपडेट जो है वहीं शेयर करते हैं आप सभी के लिए। तो आप वहाँ ज़रूर जुड़िएगा। और यहाँ पे अब हम जो पार्ट करने जा रहे हैं ना, वो आपके आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आप जो चार हमने बताए हैं रिलेशन इंडिया के, उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। और इन सभी कंट्रियों ने मिलके किस तरीके से सार्क बनाया था, हम उस पर भी फोकस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो नाउ अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे भूटान, अगर आप देखें तो दिस इज़ नॉट आवर कंट्री, हमारी पड़ोसी मुल्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली कंट्री सिक्किम जो है, नाथुला पोस्ट हमें यहीं से मिलता है। अगर हम चाइना से, C4 चाइना और C4 आपको पता ही क्या होता है, अगर हम उनसे रिलेशन बनाएं तो उन्होंने क्या कहते हैं, हम नाथुला पोस्ट से ही अपनी कंट्री के अंदर उनको जगह देते हैं आने के लिए। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, आई थिंक अगर आपको पता हो तो। तो अगर आपने देखा है तो आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो अगर हम भूटान की कंट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज, रिलीजन जो है, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हमें बुद्धिज़्म रिलीजन जो है वो ये देखने को मिलता है। डोमिनेंस भूटानी लोगों का भूटान के अंदर ज़्यादा है। गवर्नमेंट जो है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहने का मतलब ये होता है ऐसा मोनार्की सिस्टम जिसमें संविधान तो होता है लेकिन वहाँ पे राजा की चलती है, जैसे सेम एज इट इज़ आप देख सकते हैं इंग्लैंड के अंदर होता है। वहाँ रानी की चलती है और यहाँ पे राजा की चलती है। एट प्रेजेंट टाइम वहाँ पे पीएम है, आप देख सकते हैं उनका नाम ये है पीएम पे, हालांकि पेपर में कभी आता नहीं, बस मेरा मन है आपको बताने का कि कैपिटल आप जान सके कि थिम्पू जो है इसकी कैपिटल है। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि उनका यूनिफिकेशन भूटान का इस टाइम पीरियड में हुआ था, और उसके बाद क्या कहते हैं, इन लोगों ने पूरी तरीके से यूएन मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कहते हैं मोनार्की सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट करा था 18 जुलाई 2008 के अंदर। मतलब 2008 के अंदर आप देखेंगे पूरी तरीके से यहाँ पे मोनार्की सिस्टम स्टैब्लिश था। भूटान एक ऐसी कंट्री है जिससे ना तो हमें कोई दिक्कत है, लेकिन क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है इसलिए हमें उनसे अपने अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, तो इसलिए हम उनसे अपने अच्छे रिलेशन बनाते हैं। तो भूटान के बारे में आप पीएम देख सकते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट नहीं होता है, राजा का शासन वहाँ पर अभी भी है। तो आप इस पर फोकस ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे ये उनका झंडा है, कुछ ऐसा आप देख सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ पे इंडिया का और भूटान का नया रिलेशन बन रहा है, तो वो देखने की कोशिश करेंगे क्या है। अब यहाँ पे 2008 के अंदर उन्होंने अच्छा एक रिलेशन बनाया था, तो आप नोटिस करेंगे हमने भूटान के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या करा है, अदर कंट्री विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट, मतलब कोई भी अदर कंट्री, यानी कि स्पेशल भूटान। अभी हमने नेपाल के साथ करा था कि बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के कंट्री हमारी कंट्री के अंदर आ सकती है, बट अब हमने किन के साथ कर दिया, अब हमने यहाँ पर जापान और सॉरी भूटान के साथ भी हमने ये कर दिया है कि भूटान की कंट्री जो है बिना किसी वीज़ा और पासपोर्ट के हमारी कंट्री में आ सकती है। इवन हमने उनके साथ क्या कर, उन्होंने हमारी क्या मदद करी है कि उन्होंने हमारी गोरिल्ला और मिलिटेंट लोग जो हमारी कंट्री के अंदर आतंकवाद फैलाने की वो कोशिश करते हैं, उनके लिए भूटान की गवर्नमेंट ने हमारी बहुत अच्छी मदद करी है। तो एक अच्छी चीज़ है, उनके साथ हमने एक अच्छा इनिशिएट करा है दोनों ने मिलकर, कि जो हमारे बिहार, उड़ीसा, झारखंड ऐसे इलाकों में जो गोरिल्ला वॉर होते हैं, गोरिल्लाज होते हैं, जो नक्सलवादी टाइप लोग होते हैं, अगर वो देश के अंदर आतंक फैला रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भूटान की गवर्नमेंट जो है हमारी मदद करती है। तो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका एक अच्छा कॉपरेशन हमारे साथ देखने को मिल रहा है।
और यहाँ पे अगर आप ये देखने की कोशिश करें कि हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे भूटान की गवर्नमेंट की मदद करी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग चेक पोस्ट पे, अलग अलग जगहों पे हम अलग अलग उनको क्या कहते हैं फंड देते हैं, ताकि वो पूरी तरीके से, आप देखेंगे कि पूरी तरीके से वो एक जो पानी से जो बिजली बन सकती है उसको बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है उनका सपोर्ट करती है, मतलब वो भी हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमारा जो फंडेड होता है, यहाँ पे लिखा ना इंडिया हैज़ फंडेड थ्रू ऑफ 70% लोन एंड द 30% ऑफ ग्रांट टू द भूटान, मतलब हम भूटान को आज की डेट में हम ग्रांट देते हैं, मतलब ऐसी कंट्री जो हम उन्हें ग्रांट दे सकते हैं, मतलब अनुदान देना, यानी कि हमारी कंट्री 30% उन्हें अनुदान देती है अगर उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। इवन उनसे थोड़ा बहुत हमें भी फायदा हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट की कंट्री को हम बिजली दे पाते हैं, तो इसीलिए हम इनके साथ ऐसा रिलेशन बनाते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे आपको भूटान के बारे में समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा आपकी बुक में बताया हुआ है। अब बात करते हैं मालदीव की, वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ायर टू विजिट द मालदीव। मालदीव एक ऐसा द्वीपीय देश है जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये सारे द्वीप हैं, सारे के सारे द्वीप हैं, इनमें अलग अलग जगहों पे एयरपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, और इसकी राजधानी जो है आप देख सकते हैं मेल इज़ अ राजधानी, और यहाँ पे भी यूनिटरी प्रेसिडेंशली ऑर्डर है, मतलब जैसे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशली सिस्टम चलता है ना, सेम वहाँ पे मालदीव के अंदर भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। बहुत शांति प्रिय देश है, यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिन करके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, वो सॉरी सोलिद जो है वो प्रेसिडेंट है। यहाँ पे रिलीजन जो है सुन्नी इस्लाम जो है वो ज़्यादा फेमस है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो देवरी और क्या कहते हैं इंग्लिश जो दोनों है, दोनों ही बोली जाती है। इनको पूरी तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट 2008 के अंदर ही करा था, जब जापान ने करा था। इनका टोटल एरिया आप देख सकते हो 300 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, बस ज़्यादा नहीं। जितनी पॉपुलेशन हमारी क्या कहते हैं दिल्ली की एक छोटी सी सिटी की हो सकती है कई लाखों की, उतनी तो इसकी पूरे देश की पॉपुलेशन है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारा भी इनसे रिलेशन है ठीक ठाक, हम इनसे भी अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये हमारे पड़ोसी मुल्क है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे रिलेशन जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में हम रिलेशन ही जान रहे हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि जब भी इंडिया अगर क्या कहते हैं मालदीव से मुलाकात करता है, तो मालदीव की गवर्नमेंट हमेशा इंडिया का एक वार्म और क्या कहते हैं कॉर्डियल जो रिलेशन होता है वो पेश करने की कोशिश करता है, मतलब एक तरीके का फ्रेंड रिलेशन जो होता है ना, आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी कंट्री इंडिया को लगता है कि यार मालदीव से दोस्ती कर रहे हैं, तो सिंपल से होते छोटी कंट्री होती है जो बड़ी कंट्री से दोस्ती करती है, तो आप नोटिस करेंगे उसके लिए एक प्राउड वाली बात होती है। तो इसीलिए हमेशा जो मालदीप है वो इंडिया से एक पूरी तरीके से सौहार्दतापूर्ण जो है वार्म वेलकम करने की हमेशा कोशिश करती है, सो दैट इज़ वाई हम इनकी मदद करते हैं। अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखने की कोशिश करें तो दिस इज़ योर मालदीप कंट्री, ठीक है, तो ये इतनी बड़ी मालदीप है और हम उनकी मदद कब करते हैं, आपको पता है ना हमने श्रीलंका वाला टॉपिक पढ़ा था, इसमें कुछ तमिल लोग भी रहते थे, तो तमिल जो मर्चेंट होते हैं, तमिल मर्चेंट जो होते हैं, मतलब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें तमिल व्यापारी, तो तमिल व्यापारी जो है अगर उनको क्या कहते हैं श्रीलंका के अंदर जो होते हैं अगर क्या कहते हैं वो दिक्कत दे रहे होते हैं अगर मालदीव के लोगों को, तो यहाँ पे हमारा इंडिया जो है उनकी जाके मदद करता है, तो एक अच्छी बात है। दूसरा, हमने इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए और फिशिंग जो व्यापार है, बिजनेस जो है धंधा मछलियों का, उसको बढ़ाने के लिए मालदीव की हमने मदद करी है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इन्होंने हमारे हमने इनकी ऐसे से मदद करी है, भूटान की हमने ऐसे मदद करी है, बहुत छोटी कंट्री है, हम इनसे क्या बोल सकते हैं ना। तो भूटान इतनी सी आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये भूटान है और ये पूरा का पूरा मालदीप है, तो आप देख सकते हैं बहुत छोटी कंट्री पर है हमारे पड़ोसी मुल्क। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि साउथ एशिया के अंदर ऐसी कौन सी कंट्री है जो ज़्यादातर देशों की सीमाओं को टच करती है, ज़्यादातर देशों की बाउंड्रीज को टच करती है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि साउथ एशिया के अंदर ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज़ की बाउंड्रीज को टच करती है। तो आपको आंसर पता है, बस आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपना भाई लाइक जो है ज़रूर दीजिएगा, बुरी लग रही है तो डिसलाइक भी करिएगा ताकि हमें पता चले। अब बात करते हैं कि इतनी सारी कंट्रियाँ थी, इन सभी कंट्री को पता था कि ये एक साथ नहीं आ सकते, तो एक साथ आने के लिए इन लोगों ने क्या करा, एक साथ आने के लिए इन लोगों ने शार्क समिट बनाया एक तरीके का। तो शार्क का हेडक्वार्टर आज भी आप देख सकते हैं कर्नाटका, ओ सॉरी क्या कहते हैं नेपाल के अंदर काठमांडू की उसकी कैपिटल है, वहाँ पे इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है,
साउथ एशियन कंट्री का इसमें डोमिनेंस है। साउथ एशियन कंट्री कौन सी? वही साउथ एशिया की जो कंट्री है सारी, जो हम 7-8 कंट्रियाँ पढ़ रहे हैं वही। और यहाँ पे इसके शुरुआती समय के अंदर अभी 8 मेंबर है, लेकिन शुरुआत में इसके 7 थे। इनके जनरल सेक्रेटरी बदलते रहते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 के अंदर हुई थी। यूपीएससी के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था कि सार्क समिट जो था उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ वाई आप इस पर डेट पर याद रखिएगा कि क्लास 12th का था, लेकिन यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूपीएससी कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इन द फ्यूचर फॉर द यूपीएससी एग्जाम, तो आपको यहाँ से बहुत डीपली पढ़ना होगा क्लास 12th के लिए। जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत डीपली पढ़िएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि इन फ्यूचर जब आप तैयारी करें तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है, और उसके बाद अगर आप ये देखने की कोशिश करें कि 7 कंट्री और 8 कंट्री को मिला के इतना लगभग स्क्वायर किलोमीटर के अंदर क्षेत्र फैल जाता है, एस्टिमेटेड डेंसिटी इतनी बताई हुई है, टोटल पॉपुलेशन इतना बताया हुआ है, जीडीपी सभी कंट्रियों का मिलकर 11 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है, और मतलब जीडीपी और यहाँ पे नॉमिनल जो जीडीपी है वो ये बताई हुई है कि इतनी होगी, करेंसी 8 करेंसी ही काम करती है आपस में ट्रेड करने के लिए। तो ये जो शार्क मेंबर बनाया गया था ना, इसमें टोटल कितनी कंट्रियाँ, देखिए इंडिया 1, बांग्लादेश 2, भूटान 3, नेपाल 4, श्रीलंका 5, पाकिस्तान 6, मालदीव 7, और ये आपके अफगानिस्तान 8। शुरुआत में क्या कहते हैं इसका अफगानिस्तान भी पार्ट बन गया था। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 कंट्रियाँ इसकी मेंबर बनी हुई है। 9 कंट्रियाँ अभी इसकी ऑब्जर्विंग मेंबर है। 9 कंट्रियाँ बनेंगी या नहीं बनेंगी इन फ्यूचर, उसे हमें देखना पड़ेगा कि हम इन कंट्रियों को साथ में जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया को पता था कि इंडिया कहीं ना कहीं सभी सीमाओं से घिरा हुआ है, तो उसको अपना बिजनेस अच्छा करने के लिए, अपने अपने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कुछ ऐसा अल्टरनेट पावर बनाना पड़ेगा। क्योंकि नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सो पैक्ट अलग बन गए, ब्रिक्स अलग बन गया, उसके बाद क्या कहते हैं नेम अलग बन गया, आसियान अलग बन गया, यूरोपियन यूनियन अलग बन गया, लेकिन शार्क भी तो बनना ज़रूरी है, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री होगी। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म साउथ एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी के अंदर आप देख सकते हैं दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो ये चीज़ पेपर के अंदर पूछा गया है, तो आप इस पे फोकस ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा गया कि इसका फुल नेम बताइए, इसकी फुल फॉर्म बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके टोटल मेंबर कितने हैं, इसको फाउंड कब करा गया था। जनरल सेक्रेटरी बहुत कम पूछे जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी समय समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, और इसमें वही कंट्रियां हैं जो अभी आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ ली है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है शार्क कंट्री का और आशियन कंट्री के नेम याद रखने का, क्योंकि बहुत से बच्चों को नेम याद रखने में दिक्कत होती है। तो शार्क कंट्री और नेम कंट्री के नाम याद रखने में दिक्कत ना हो, तो आप इसे MBBS पेन के नाम से याद रख सकते हैं, जिससे आप क्या याद कर पाएंगे, जिससे आप याद कर पाएंगे, रिमेंबर कर पाएंगे कि वो कंट्रियाँ जो शुरुआती समय से क्या कहते हैं शार्क की मेंबर बनी हुई है, जैसे M से मालदीव, B से भूटान, और B से बांग्लादेश, और S से श्रीलंका। तो MBBS हो गया, और पेन का मतलब हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल, तो आप इससे याद कर पाएंगे। दूसरा, ये वो कंट्रियाँ हैं जो आशियान मेंबर थी। तो आशियान की 10 कंट्रियाँ हैं, तो 10 कंट्री को याद नहीं कर सकते, तो TV, BP, MMS और साथ में LIC, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, टीवी का मतलब थाईलैंड, वियतनाम, बीपी का मतलब ब्रुनेई और फिलीपींस, एम का मतलब मलेशिया, म्यांमार, और एस से सिंगापुर, और यहाँ पे एल से लाओस, और आई से इंडोनेशिया, और सी से कंबोडिया। तो ये एक तरीका है कि शार्क और आशियन कंट्री के अगर आपको देशों के नाम याद रखने, तो आप ये शॉर्टकट तरीके भी अपना सकते हैं, जिससे पेपर के अंदर और आपके एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी काम आ सके। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, शॉर्टकट तरीके भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे ताकि आपको समझ में आती रहे चीज़ें। अच्छा, उसके बाद अगर हम बताएं कि शार्क अगर बनाया गया था, तो शार्क को बनाने का मेन मकसद था क्या? शार्क को बनाने का मेन मकसद यही था शुरुआती समय में कि क्षेत्रीय विकास के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम बनाया जाए, मतलब एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया जाए साउथ एशिया की कंट्रियों के लिए। इसके लिए बनाया गया था, और आपस में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ लाया जाए, ये एक अच्छी बात थी। और अपने राज्यों के बीच में आपसी विश्वास और समझ डेवलप करना, मतलब सभी कंट्रियों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनाना, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। इसी को बनाने के लिए ही इस चीज़ों को करा गया था,
तो आप ये देख सकते हैं, इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसीलिए शार्क के स्पेशल ऑब्जेक्टिव को अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख पाएंगे। तो ये 8 की 8 कंट्रियाँ इसे फॉलो करती है, शार्क का ये सिंबल है। कभी कभार एग्जामिनर अगर आपके जज्बातों से खेल जाए तो आपको बताना होगा कि इसका मतलब हाथ होता है, इसका मतलब बुद्धा आइज होता है, इसका मतलब फिशेज होता है ना। तो ये पूछ लेता है कभी कभार आपसे एग्जामिनर, चांसेस कम होते हैं इन क्वेश्चंस के पूछने के। मैं तो ना के बराबर बोलूँगा कि कभी नहीं पूछा गया है, मतलब सिंबल तो मैंने आपको दे दिया लेकिन इनका भी एक मीनिंग है। तो यहाँ पे शार्क एक रीजनल इनिशिएशन के लिए साउथ एशिया की कंट्रियों के साथ एक कॉरपोरेशन को इवॉल्व करता है 1985 से। मतलब आपस में एक क्षेत्रीय, मतलब एक ऐसा कॉपरेशन बिल्डअप करना जिससे आपस में कंट्रियों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, यहाँ पे म्यूचुअल हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब आपसी सद्भाव और साथ में क्या कहते हैं समझ होनी चाहिए आपस में 8 कंट्रियों की। तो ये मेन प्रिंसिपल आ गए, ये सिद्धांत आ गए उन सभी कंट्रियों के। तो ये दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि वो इसी की वजह से शार्क जो है, शार्क अगर बनाया गया था तो वो कॉपरेशन के लिए बनाया गया था, इसलिए शार्क की वजह से एक और चीज़ जन्मी जिसे आपने साफ्टा के नाम से पुकारा। तो साफ्टा शार्क का ही एक पार्ट है, इंटीग्रेटेड पार्ट है, जिसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एंड एग्रीमेंट। तो इसे साफ्टा के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी के भाव पे ये कंट्रियाँ जो है आपस में हमें देखने को मिलती है। तो ये जो कंट्रियाँ हैं ये कलेक्टिवली क्या कहते हैं फ्री जोन बनाना चाहती है। जैसे कि हमने क्या कहते हैं लुकीस्ट पॉलिसी 2014 के अंदर जो एक्टिस्ट पॉलिसी हो गई थी उसमें हमने थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर इनसे एक अच्छे रिलेशन बनाए थे फ्री ट्रेड के लिए। लेकिन शार्क बनने के बाद जब साफ्टा बनाया गया तो आप देखेंगे फ्री ट्रेड जोन जो है आपस में इन कंट्रियों के बीच में क्रिएट हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि शार्क हैज़ अ ऑब्जेक्टिव ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन इट्स मेंबर स्टेट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन नॉन रीजनल पावर। मतलब शार्क अगर बनाया गया तो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जबकि उनकी कंट्री के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब जो वो कंट्रियाँ कर रही है, जैसे कि क्या हुआ था, भारत ने श्रीलंका के जिस समय पर दिक्कत चल रही तो श्रीलंका के अंदर अपनी पीस फोर्स को भेज दिया था, तो वो गलत था। तो इसीलिए शार्क में ये चीज़ें बातें करी गई कि ऐसा नहीं हो कि आप किसी के इंटरनली अफेयर के अंदर जाएंगे और क्या कहते हैं आप अपनी मनमानी चलाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा। तो शार्क इसलिए बनाया गया था, आपको समझ में आ गया होगा। साफ्टा का मैंने अभी आपको बता दिया, 2004 के अंदर ये फॉर्म हुआ था, ये तो 1985 में हो चुका था, ठीक है। जो शार्क था वो तो 1985 के अंदर हो चुका था, ठीक है। लेकिन साफ्टा जो है 2004 के अंदर बना था। इसका मेन मकसद है फ्री ट्रेड जोन जो है पूरे साउथ एशिया के अंदर क्रिएट करना, और यहाँ पे टू सस्टेन म्यूचुअल एंड कोऑपरेशन, मतलब वही बायलैटरल ट्रेड करना जिसमें दोनों को फ़ायदा हो सके, जिसे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, वो साफ्टा की वजह से हो पाएगा। तो ये एक चीज़ करने की कोशिश करी गई है, इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। लिमिटेशन पेपर के अंदर आती है और यहाँ बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आते हैं कि अगर शार्क बना है तो इसकी सारी अच्छी बातें, पर कुछ बुरी बातें भी तो होंगी ना, तो बुरी बातें ही क्या है वो हम देखते हैं। तो बुरी बातों में शार्क जो है ग्रोइंग स्लोली बढ़ रहा है क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। जैसे कि नंबर वन हमारा, क्योंकि शार्क में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है शार्क मेंबर है, लेकिन हमारा उनसे 36 का आंकड़ा रहता है। 36 का मैं 37, 38, 39, 40 भी बोल सकता हूँ इसका आंकड़ा रहता है, क्योंकि कश्मीर इशू को लेके पाकिस्तान और इंडिया के अपने खुद के इशू बने रहते हैं। इसलिए आप देखते हैं शार्क समिट में कभी कभार मीटिंग्स होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती है आपसी डिस्प्यूट की वजह से। तो यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात है। दूसरा, बहुत सारी कंट्री को ये लगता है कि जो इंडिया है ना, इंडिया के जो नेबर्स हैं, मतलब जितनी दूसरी कंट्री है, कौन कौन सी कंट्री है, जैसे मैंने अभी बताया MBBS स्पेन, मतलब ये कंट्रियाँ इस आई को छोड़ के जितनी भी 7 कंट्रियाँ हैं ना, उनको ये लगा रहता है कि उनका जो क्षेत्रफल है इंडिया का वो बहुत बड़ा है। सो दैट इज़ वो क्या कर सकता है, वो डोमिनेंस कर सकता है पूरे देश के अंदर। तो ये एक इशू रहता है हमेशा। तो यहाँ पे उनको लगता है कि साउथ एशिया के अंदर जो इंडिया है वो डोमिनेंस करता है, तो कहीं ना कहीं फंडेड की वजह से, कहीं ना कहीं फंडेड जो है वो इंडिया ज़्यादा कर देता है, तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि पड़ोसियाँ जो है नाराज़ हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे सार्क सदस्य जो है वो विकासशील है, कम विकासशील देशों में से एक आते हैं जिनके पास धनों की कमी है, और यहाँ पे भारत के पास धन ज़्यादा है
उनकी कंट्री के कंपैरिजन में। तो ये एक इशू रहता है कि भारत जो है ज़्यादा फंड रेस कर सकता है सार्क मेंबर ही कंट्री के कंपैरिजन में, दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। तो लेकिन लेकिन हमें ये जानना होगा कि भारत के अंदर इंडिया का रोल क्या है, क्योंकि अगर हम भारत के अंदर इंडिया का रोल समझ पाएँ तो हमें समझ में आएगा कि इंडिया का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि इंडिया जो है अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो क्षेत्रफल में बड़ा है, फंड ज़्यादा कर सकता है और उनके अपने भी आपसी डिस्प्यूट रहते हैं। लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं है, इंडिया ने अपने पक्ष ये रखे हैं कि क्योंकि इंडिया भारत जो है वो बहुत बड़ा है और आपस में जो कंट्रियाँ हैं उनकी सीमाएँ उनसे टच में है, तो इन फ्यूचर भारत को डर रहता है कि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं भारत मतलब जो दूसरी कंट्रियां हैं वो किसी दूसरे के साथ अपना सहयोग ना कर ले, एक अपना म्यूचुअल अलायंस ना कर ले। जैसे कि यहाँ पे क्या कहते हैं जब वो जो आपका नेपाल है, नेपाल के साथ हमने अच्छे रिलेशन बनाए हैं पर उसने चाइना से हाँ क्या कहते हैं दोस्ती कर ली है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का इशू रहता है कि अगर वो किसी पड़ोसी मुल्क से दोस्ती कर लेगी तो उसमें हमारे को दिक्कत हो सकती है ना। तो यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारा फ़ायदा उठा रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे एक इशू रहता है, इसीलिए हमने सार्क बनाया था। और दूसरा यहाँ पे ये भी लगता है कि अगर भारत जो है जो उस सेंट्रल में मतलब जो क्योंकि भारत अगर सभी कंट्रियों से घिरा हुआ है तो आप नोटिस करेंगे कोई भी पड़ोसी मुल्क जैसे नेपाल है, नेपाल से चाइना ने दोस्ती कर ली और नेपाल ने बोला कि तुम हमारी कंट्री में आर्मी बेस बना लो, जैसे क्यूबा के टाइम पर हुआ था, पाकिस्तान में वो अफगानिस्तान से बोल दे उनसे बना लो, बांग्लादेश में बोल दे रशिया से बना लो, तो इस तरीके से भारत पूरी तरीके से चारों तरफ से घिर जाएगा। तो ये एक इशू ये भी है। तो इसी वजह से क्या कहते हैं हमें ये समझना होगा कि हमसे हमें सभी से अच्छी दोस्ती बनानी पड़ेगी। और इसीलिए भारत चाहता है कि अगर जो भी पड़ोसी मुल्क है ना, जो भी पड़ोसी मुल्क है अगर उसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो आप नोटिस करेंगे भारत बस उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि श्रीलंका के अंदर तमिल इलम के लोगों ने कहा कि हम पूरी तरीके से तमिल जो है तमिल लोग श्रीलंका के अंदर एक अपनी अलग ही आज़ादी चाहते हैं। तो 2007 तक आप देखेंगे सिविल वॉर चलती रही। फैमिली मैन 2 के अंदर जो राजी है उसका यही करेक्टर बताने की कोशिश करता है। इफ़ यू वॉच दिस वेब सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, उसमें तमिल इलम के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो इसी वजह से भारत ने जो है वो फोर्स भेजी थी और भारत फोर्स भेजता रहता है। जैसे नेपाल का इशू हुआ था, मतलब जो वहाँ के दलाई लामा थे उनको भेज दिया गया था, उनको वहाँ पे मारा जा रहा था, तो हमने उसमें इंटरफेरेंस करा ताकि नेपाल के अंदर सिस्टम सही बन सके। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते तिब्बत के अंदर, तो इसी वजह से भारत बस ये चाहता है। तो ये रोल है उनका किसके अंदर, ये रोल है उनका क्या कहते हैं आपका शार्क के अंदर। तो शार्क समिट ये है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा चीज़ें, ठीक है। आपको बताना यह है कि सार्क समिट की मीटिंग, सार्क समिट की मीटिंग अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि सार्क समिट की मीटिंग जो थी वो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 2014 के अंदर, 27 नवंबर 2014 में। तो ये कौन सी मीटिंग थी भाई, ये मीटिंग थी आपकी कौन सी 18th मीटिंग थी, यानी कि 18वीं मीटिंग थी। तो क्या इसके आगे अभी तक कोई मीटिंग हुई है, अगर सार्क की कोई मीटिंग हुई है तो कब हुई है, ठीक है, ये कमेंट करना है और कहाँ हुई है ये भी बताना है, ठीक है। तो इसे ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि आपके करंट टॉपिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और इसराइल के अंदर अभी नए पीएम जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो उसे भी ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम इंडिया वाली बुक को कवर करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कुछ नए अपडेट्स मिलते रहते हैं आपको। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।